गुड इवनिंग दोस्तों नमस्कार सभी को सभी को मेरा प्रणाम आइए प्रारंभ करते हैं आज के साथ आपका सेशन द हिंदू एडिटोरियल में क्या है आज के एटोरियल में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज गणेश चतुर्थी का दिन है आप सभी को शुभकामनाएं उसकी आज के दिन अपना द हिंदू और बिजनेस लाइन पब्लिश नहीं होता है कोई बात नहीं हम बात करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस में क्या है और मिंट में क्या अच्छे आर्टिकल दोस्तों और एक दो आर्टिकल पुराने बचे हुए हैं उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ क्या मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही है मेरी आवाज़ और विजुअल्स अब तक पहुंच रहे हैं दोस्तों बताइए मैं जल्दी से कि मेरी आवाज़ और विजुअल्स आप तक पहुंच रहे हैं मैं बहुत बेहतर हूं दोस्तों प्रारंभ किया जाए सेशन को एक बार बार लाइक और शेयर कर दें नहीं किया तो आपने अगर अब तक चलिए आगाज करेंगे प्रारंभ करेंगे अपने सेशन का आज के आगे बढ़ने से पहले जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जानकारी है अनकेडमी के हमारे कार्यक्रम के बारे में जैसा आप जानते हैं अनकेडमी इस समय आपके लिए प्लस पर विशेष ऑफर लाया है दोस्तों ये विशेष ऑफर क्या है आप देख सकते हैं सिंग स्क्रीन पर यह विशेष ऑफर है मेगा एक्सटेंशन ऑफर जहां पर नौ महीने का अनकेडमी प्लस बाय करने पर तीन महीने का एक्सटेंशन फ्री है यानी कि प्री तक का कोर्स बाय करते हैं तो आपको मेंस का तक का कोर्स प्राप्त होगा यहां पर यानी प्री का मेंस मेन्स कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर ऐसे ट्वेल्व मंथ में फोर मंथ और लगभग टू ईयर का वन ईयर का एक्स्ट्रा मिल रहा है दोस्तों को जी हाँ तो हमारे जो प्रयास बैच है हमारे लक्ष्य बैच है ज्वाइन कर सकते हैं ऑफर तेईस सेप्टेम्बर तक रहेगा याद रखिएगा नौ महीने का जो बैच है हमारा ये आपका जो बैच है दोस्तों नौ महीने का यूपीएससी प्रिलम्स तक का बैच दोस्तों जी हाँ ज्वाइन कर सकते हैं इसमें तीन महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है आपको यानी कि ट्वेल्व मंथ का ऑफर दोस्तों ये ट्वेल्व मंथ का ऑफर है जहां पर आपके लिए टर्स सी सेट जी एस प्री मे तैयारी कराएंगे आपको यहां पर ठीक है बाकी दो साल का बैच ज्वाइन करना चाहे पच्चीस के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं अगर आप तो ज्वाइन कर सकते हैं पच्चीस के लिए हमारा फाउंडेशन बैच सोलह तारीख से लॉन्च हो चुका है बैच ही जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर आप क्लास ले रहे हैं दोस्तों चलिए बाकी याद रखिए चौबीस तारीख को कॉम्बैक्ट है सुबह ग्यारह बजे अन अकेडमिक कॉम्बैक्ट जहाँ पर आप फोर्टी फाइव फिफ्टी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों एक घंटे के अंदर और अच्छी रैंक लाते हैं तो आपके लिए हैं स्कॉलरशिप है दोस्तों ठीक है चलिए प्रारंभ करते हैं सेशन आपका आज का सभी को नमस्कार सभी को प्रणाम मेरा फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दो जल्दी सेशन को दोस्तों अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए इससे क्लास के पीडीएफ वहां प्राप्त हो गए होंगे सारे आपको आज सभी क्लासेस के पीडीएफ वहां प्राप्त हो गए होंगे नहीं हुए तो अभी कुछ हो जाएंगे कुछ बचे होंगे तो बाकी कुछ हो गए कुछ हो जाएंगे शाम तक ठीक है चलिए तो कल के एनसीआर आज का एनसीआर जो भी चैप्टर बचे टेक का प्लस द हिंदू के तारीख का पीडीएफ मिल गया होगा नहीं मिला तो मिल जाएगा आपको कुछ पी दे दिए गए हैं कुछ पी आपको हम तक मिल जाएंगे आज ठीक है चलो प्रारंभ करें हम लोग यहाँ पर सभी लोग तैयार हैं हट जाता हूँ स्क्रीन पर सर थोड़ा सा, थुछ सा थुछ। छुपेगा अदरवाइज आपके लिए तो मेरे पीछे आप रहेंगे इसको देखेंगे तो कुछ छुपता जाएगा समय जो कि ठीक नहीं लगेगा मुझे ठीक है तो आप सिर्फ आवाज़ सुनिए मेरी मैं पर कीजिए के बैठा हूँ आपके लिए चलिए <coughs> चलिए दोस्तों आ, स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल्स को हम लोग पहला मुद्दा है दोस्तों वुमेन रिजर्वेशन का सीट्स ऑफ द आई टी राजीव गांधी एंड नरसिम्हा राव सर आप देखिए अरे यार ये बड़ा समस्या की है चलो कोई नहीं चले आइए पहला आर्टिकल हम बात करेंगे महिला आरक्षण विधेयक के बारे में दोस्तों जी हाँ जैसा कि आप जानते हैं नारी शक्ति नारी शक्ति वंदना नाम का विधेयक पेश, पेश किया गया भारत सरकार द्वारा संसद में और सरकार ने कहा है कि जब अगली बार परिसीमन होगा डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा उसके बाद जो सीटों की संख्या बढ़ेगी उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा ठीक है आ, कई सालों से पेंडिंग था विधेयक ये उम्मीद करें सरकार नया बिल लेकर आई है पुराने बिल को लैप्स करा दिया गया पुराने बिल खत्म कर दिए गए हैं अब से आपसे नया बिल लेकर आइए ठीक है दोस्तों आइए बात करते हैं इस बिल के अंदर तो क्या है इसका इतिहास छोटा सा यहाँ पर आज हमें इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरी हिस्ट्री दी गई है इस पूरे बिल के बारे में दोस्तों इस बिल की पूरी हिस्ट्री दी गई है हमको यहाँ पर तो इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी हिस्ट्री दी है इसमें सेप्टेम्बर नाइनटीन से दो में चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम लोग इस सेशन को महिला आरक्षण विधेयक की इतिहास क्या है दोस्तों चलिए मैं काम करूंगा लाइन वाइज पढ़ते चलूंगा आपको फिर एक समरी कर दूंगा ठीक है आइए तो भारत की हम बात करें दोस्तों भारत में थोड़ा सा उसको छोटा कर पढ़ पाए स्क्रीन पर कि दोस्तों पढ़ने में आ जाएगा आपको ये मेरे पीछे पर कुछ आई थिंक अब ठीक आएगा दोस्तों आपके लिए

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला वर्ष इंटरनेशनल में ने मनाया जाएगा फाइन इसके लिए उन्होंने क्या किया यूएन ने कहा सभी देशों को और मेम्बर कंट्रीज को कि आपके महिलाओं की स्थिति क्या है उनका सोशल स्टेटस उनका पॉलिटिकल स्टेटस क्या रिपोर्ट फाइल कीजिए जिससे हम सेवेंटी फाइव की मीटिंग में इन बातों को रख सकें भारत सरकार को भी कहा गया तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय जो समय था दोस्तों हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सोशल वेलफेयर जो महिला डिपार्टमेंट देखता था इसने क्या किया एक कमेटी बनाई कमेटी का नाम देख लीजिए दोस्तों कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया जी हाँ कमेटी का नाम था भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति नियुक्त की इसने शिक्षा मंत्रालय ने सी एस डब्ल्यू आई कमेटी बनाई उन्होंने और इस कमेटी ने पहली बार बताया कि भारत में क्या चाहिए हमको दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत में संवैधानिक अधिकार महिलाओं के प्रशासनिक अधिकार लीगल अधिकारों की सोशल आस्पेक्ट एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या इनका रोल है इस पर बात कही गई क्या आखिर अगर कौन कौन से कानून हैं कौन कौन से अधिकार महिलाओं को जिससे उनकी सोशल स्टेटस बढ़ सकता है उनका शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है इन पर चर्चा की गई हमारे यहाँ पहली बार सी एस डब्ल्यू आई पहली बार सी एस डब्लू आई बनी सी एस डब्लू आई का मतलब देख हैं। हम लोग यहाँ पर कमेटी ऑन स्टेटस स्टेट इंडिया जी हाँ दोस्तों कमेटी बनाई गई इस कमेटी की रिपोर्ट में नाम क्या था कमेटी का दोस्तों रिपोर्ट का नाम क्या था टूवर्ड्स इक्वलिटी जी हाँ सी एस डब्ल्यू आई की रिपोर्ट आई रिपोर्ट का नाम था टूवर्ड्स इक्वलिटी इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत राज्य या भारतीय राज्य जो है हमारे यहाँ ये जेंडर इक्वलिटी देने में फेल रहे हैं लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में फेल रहे हैं जो संवैधानिक अधिकार है महिलाओं का पुरुषों का बराबर हो जेंडर इक्वलिटी हमारे यहां पर हो वो अधिकार देने में फेल रहे हैं स्टेट हमारे ये कहना था इस रिपोर्ट का ठीक है इसके बाद हम बात करें यहां पर तो कई राज्यों ने फिर उन्होंने कहा लोकल सीएस ने कहा कि राज्यों को लोकल बॉडी में कम से कम आरक्षण देना चाहिए तो यहां पर राज्यों ने अपने यहां पर लोकल बॉडी मनाक्षण देने का शुरुआत की सी रिपोर्ट के बाद चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 87 में राजीव गांधी कार्यकाल में आते हैं दोस्तों हम लोग पहली रिपोर्ट आ रिपोर्ट आ आ गई गई 1971 के आसपास हमारी अब एट्टी सेवन की बात 87 में राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया मार्गरेट अलवा जो उनकी मिनिस्टर थी केंद्रीय मंत्री थी उस समय उनके नेतृत्व में एक 14 मेंबर कमेटी बनाई मार्गरेट अलवा अध्यक्ष बनी उसकी और फोर्टीन मेंबर कमेटी बनाई इस कमेटी ने नेक्स्ट ईयर एट में

तो नरसिम्हा राव की सरकार ने जो एक तिहाई देने की बात कही पंचायती राज में और ऑफ कोर्स अर्बन लोकल बॉडीज में यानी शहरी निकायों में और ग्रामीण पंचायतों में आरक्षित की कम कम से कम होगा कई राज्यों पचास परसेंट भी किए अपने यहां पर कई राज्यों ने सीटों कोटा पचास परसेंट भी कर दिया है ठीक है तो एक तिहाई सीट आरक्षित करने की बात कही दोस्तों यहां पर किसने मार्केट अरबन कमीशन और बाद में सेवेंटी थर्ड कमीशन ने दोस्तों

देवगौड़ा साहब एट्टी फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर आते हैं अमेंडमेंट लेकर आए वो, जिसमें कहा गया संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को तो तो महीना वो भी था सेप्टेंबर का महीना ये भी है लाया गया और इंपॉर्ट बात किया लगभग सभी पार्टीज ने इसका समर्थन किया सभी पार्टीज ने सभी दलों ने एक तरफा सहमति दिखाई हाँ भैया पास करो ठीक है और कहा कि उसी दिन पास किया जाए मतलब तुरंत पास करो उसको तो बिना दुरो के लेकिन यहाँ पर एक अड़चन आ गई जो ओबीसी समुदाय के जो एम थे या उससे संबंधित पार्टियां जो थी ओबीसी वोट बैंक आधारित पार्टियां थी उनका कहना था या तो उसका विरोध किया उन्होंने या बदलाव की मांग की इन्होंने कि ओबीसी आरक्षण भी दिया जाए महिलाओं को वो जरूरी है यहाँ पर जैसे उमा भारती बीजेपी सांसद थी जो आज खड़गे साहब कह रहे थे हमारे संसद में जिसको बीजेपी ने कहा खड़गे साहब गलत बोल रहे हैं एक समय बीजेपी की सांसद उमा भारती जी ने सेम बात कही थी जिसको आज खड़गे साहब रिपीट कर रहे थे उमा भारती ने कहा था कि मेरी मांगे पंचायती राज की तरह ही जैसे वहां लोकल बॉडी में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है यहाँ भी आरक्षण होना चाहिए क्योंकि पिछड़ी जाति की महिलाएं सबसे अधिक परेशान होती हैं तो उन्होंने कहा कि इनको आरक्षण दिया जाए महिलाओं को आरक्षण दिया जाए उसमें ओबीसी आरक्षण को भी शामिल किया जाए यानी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए आज के बिल में ऐसा नहीं है आज की जो नया बिल रखा है उसमें ऐसा नहीं है खड़गे साहब की मांग यही है जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको आज राज्यसभा बोलने का मौका दिया गया राज्यसभा का सेशन आज था राज्यसभा बिल रखा गया ये और खड़गे साहब लोकसभा में हैं वैसे तो लेकिन उनको बोलने का मौका दिया गया राज्यसभा के अंदर विशेष अतिथि के तौर पर आज तो कहीं ना कहीं पॉइंट बात थी अपने आप में वो भी बात कह रहे थे कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो यही बात कही थी उमा भारती ने जो बीजेपी सांसद थी उस समय ठीक है प्रधानमंत्री देवगौड़ा साहब इस बार सहमत हो गए बात तो ठीक है आप लोगों को दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा ठीक है कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो भी रुक रहे हैं तो आज तो हम पास नहीं कर सकते बिल्कुल सोचिए बारह सेप्टेम्बर नाइनटीन को बिल पास होने वाला था जिन्होंने कहा ठीक है मुद्दे तो सही है जायज़ मांगे हैं आपकी उन्होंने कहा एक काम करते हैं हम एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते हैं क्योंकि देवगौड़ा की पार्टी जो थी देवगौड़ा की सरकार जो थी दोस्तों वो कहीं ना कहीं उस समय जनता दल उनकी खुद की पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थन पट्टी की थी और ये पार्टियां मांग कर रही थी इनके अंदर कुछ दल इनके अंदर मांग कर रहे थे कुछ मेंबर कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए ठीक है तो ऐसे में देवघोड़ा की बात नहीं चल पाई और कहीं ना कहीं मामला रुक गया जो कोई बात नहीं मामला आगे बढ़ता एक कमेटी बनी उसके बाद विधेयक को भेज दिया गया स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया दोस्तों यहाँ पर एक ठीक है स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया चयन समिति को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया मामला ये गीता मुखर्जी उसकी अध्यक्ष थी गीता मुखर्जी का क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी गीता मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट भी क्वेश्चन पूछ चुका है गीता मुखर्जी इसकी थी सिक्स की बात हो रही है जब देवघोड़ा सरकार इस बिल को पास नहीं करा पाई सदन में उसने कहा सबसे बात करना जरूरी है एमपी जो ओबीसी आते हैं उनसे बात भी करना जरूरी है उन्होंने भेज दिया सिलेक्ट कमेटी के पास चयन समिति के पास चयन समिति अध्यक्ष बनी गीता मुखर्जी उसमें ममता बनर्जी नीतीश कुमार उमा भारती सुषमा स्वराज शरद पवार सीनियर लीडर थे उसके अंदर दोस्तों ठीक है

अब ये बिल फिर आया गया सदन में दोस्तों उसी साल दोबारा लाया गया बिल तीन महीने रिपोर्ट आ गई इसी कमेटी के तीन महीने बाद ये बिल दोबारा लाया गया लेकिन अब सरकार बहुत आगे बढ़ना नहीं चाहती थी यहाँ पर तो गीता मुखर्जी ने एक बात कही थी लोकसभा में उस दिन क्या कहा था आज विंटर सेशन का अंतिम दिन है सरकार को स्पष्ट समझ के साथ सामने आना चाहिए कि विधेयक के साथ क्या करने जा रहे हैं यानी विधेयक पास नहीं हुआ नाइन में जबकि ऑल पार्टी कंसेस थी सभी पार्टियां सहमत थी फिर भी ये बिल पास नहीं हो पाया उसके बाद देवगौड़ा सरकार ने इस्तीफा दे दिया गुजरात सरकार आए गुजरात सरकार ने फिर बिले दोबारा उठाया गया लेकिन ओबीसी ने फिर इसका विरोध किया ओबीसी ने इसका फिर विरोध किया और मामला फिर टल गया अल्टीमेटली ठीक है दोस्तों निश्चित तौर तो पर आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर तो ये गुजरात सरकार चली गई उसके बाद आती है बात करें यहाँ पर अटल जी की सरकार जी हाँ अटल जी की बात करें तो 1998 में दोस्तों अटल जी सरकार फिर इस बिल को लेकर आई वहां पर ममता बनर्जी जो कांग्रेस से अलग हो चुकी थी अब सुमित्रा महाजन ताई हमारी जो एम पी थी सांसद थी अ, बीजेपी में वो लगातार मांग उठा रही थी कि महिला आरक्षण को शामिल किया जाए इसमें ठीक बात है और सरकार ने पास भी बिल भी लेकर आए जी दोस्तों 1999 में, में सोचिएगा जुलाई नाइनटीन नाइनटी एट में फिर ये बिल लाया गया 1998, 96 में बिल लेकर आई देवगौड़ा सरकार 1998 में फिर बिल लाया गया दोस्तों और इस बार फिर वन थर्ड कहा गया वन थर्ड एडिशन की बात कही गई लेकिन फिर आर सांसद और जो विरोध कर रहे थे ओबीसी पार्टी के विधायक सांसद उन्होंने बिल को छीना फाड़ के फेंक दिया दोस्तों और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव ने अपने 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 एम का बचाव किया उन्होंने ठीक किया काम क्योंकि महिला आरक्षण को शामिल नहीं किया गया ओबीसी आरक्षण शामिल नहीं किया गया है चलिए ये बात हम देखते हैं यहाँ पर आ, कहीं ना कहीं देखिए हम लोग दोस्तों तो कहीं ना कहीं बाद में जनता की सरकार ने इस्तीफा वापस ले लिया एनडीए से और सरकार गिर गई यहाँ पर चलिए 99 में सरकार फिर के आई अटल जी की फिर हम देखें साहब जो कानून मंत्री थे लोगों ने विरोध किया इसका, और फिर ये बिल पास नहीं है दोस्तों लेकिन इस बीच क्या हुआ चुनाव आयोग ने पूछा भैया महिला आरक्षण पर राय पूछी लोगों से पोलिटिकल पार्टी से और कहीं ना कहीं एक प्रयास फिर से किया चुनाव आयोग ने कि सहमति बन जाए आप सोचिएगा 1996 देव 1998 अटल जी 1999 फिर अटल जी 2000 चुनाव आयोग क्या क्या नहीं हुआ महिला बिल के पास करने के लिए ठीक है दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं आपके साथ फिर आगे चलते हैं दोस्तों आपके साथ हम लोग दो में सोनिया गांधी के नेतृत्व में महिला श्रम विधेयक पर सब की बैठक बुलाई गई यूपीए को बुलाया गया वामपंथी दल आके बैठे बाद में मनमोहन साहब ने बीजेपी भी से बात की सब ने कहा ठीक है ठीक है बिल्कुल पास करना चाहिए और कहा कि तीन प्रस्ताव हमारे पास हैं महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया जाए बिल्कुल ठीक बात है लेकिन जो सीटें हैं मान लो अभी पा, अभी मान लो पांच सीटें हैं लोकसभा में तो आरक्षण अभी ना दिया जाए जब परिसीमन हो जाएगा जब सीटों की संख्या बढ़ जाएगी मान लो सीटों की संख्या बढ़कर सात हो जाती है तो इसमें वन थर्ड दे दिया जाए जिससे ये संख्या कम ना हो जो वर्तमान संख्या है वो कम ना हो नई सीटें जो बढ़ाई जाएंगी वो एक्स्ट्रा परिसीमन के बाद बढ़ाई जाएंगी यानी कि पहली बात 33 परसेंट दिया जाए दूसरा पॉइंट क्या है

तो यहाँ पर मंजूरी मिल गई राज्यसभा में इसको राज्यसभा ने पारित कर दिया लेकिन लोकसभा में इसको बिल को नहीं लाया गया लोकसभा लैप्स कर गई बिल खत्म हो गया यानी कहीं ना कहीं अब जो बिल ला लेकर आई है भारत सरकार वो एक नया बिल है दोस्तों जी हाँ नया बिल है ठीक है तो यहाँ पर हम बात करें बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था चौदह के चुनाव का उसमें भी कहा गया थर्टी आरक्षण की बात उन्नीस में इस बात को रिपीट भी किया गया बीजेपी के मैनिफेस्टो में फाइनली दो में आकर बीजेपी भी एक बिल लेकर आई है दोस्तों संविधान संशोधन करना चाहती है

या महिला आरक्षण तो अगर वो हम बात करें एक प्रकार से यूटोपिया बन गया अपने आप में कहा जाए तो तो क्यों ना हम लोग चर्चा करें कहीं ना कहीं कि और क्या कर सकते हैं कैसे महिलाओं को एम्पावर हम लोग कर सकते हैं आइए दोस्तों बात करते हैं तो पहली बात तो महिला बिल की आवश्यकता के ये एक्सप्रेस का आर्टिकल नहीं है दोस्तों ये हमें कुछ और चीज जोड़ी है आपके लिए आवश्यकता क्या है हमको इस बिल की तो समझिएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दोस्तों 2022 की क्या कहती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में पॉलिटिकली हम बात करें पॉलिटिकली इंपावरमेंट की बात करें एक तो सौ देशों में भारत का अड़तालीस स्थान है महिलाओं के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में संसद महिलाओं के और मंत्री पद की संख्या देखी जाए तो दुनिया में एक देशों में हम लोग फोर्टी एट पर हैं लगता है काफी अच्छी स्थिति दिखती है हमको तो लेकिन जब स्कोर देखते हैं इंडिया का तो स्कोर बहुत कम है क्योंकि टॉप पर जो कंट्री है उनका स्कोर पॉइंट एट सेवन फोर है बांग्लादेश का स्कोर पॉइंट फाइव फोर सिक्स है नाइन्थ पोजिशन में उनका तो पीएम महिलाएं है खैर वहां तो कहना ही क्या लेकिन निश्चित तौर पर दोस्तों निश्चित तौर पर हम ये देख रहे हैं कि भारत की रैंक भले अच्छी दिख रही है उनको दुनिया में लेकिन हमारे से ज्यादा सांसद परसेंटेज हमारे पड़ोसी देशों में है दोस्तों जी हाँ अगर हम देखें तो महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया जाए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कहती है महिला पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफी कम है पहला तर्क दूसरा महिलाओं का आत्म प्रतिनिधित्व आत्म निर्णय का अधिकार दोस्तों जी हाँ ज्यादा महिलाएं होंगी संसद के अंदर ज्यादा निर्णय अच्छे होंगे महिला समर्थन में निर्णय होंगे जी हाँ जेंडर सेंसिटिव बनेगी पार्लियामेंट जरूरी है जो कि इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं हम देख चुके हैं पंचायती राज में महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है 93 से 30 साल हो गए लगभग पंचायती राज में और नो डाउट एम्पावरमेंट आया है पंचायती राज से तो अब अब क्या करना चाहिए हमें बड़े पैमाने में काम कराना चाहिए यानी कि पंचायत से निकाल कर हमें अब विधानसभा संसद में लाना होगा महिलाओं को जी हाँ तो समर्थन आप कर सकते हैं पंचायती राज का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ठीक है बिल के खिलाफ कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों बिल बिल के खिलाफ पास नहीं करना चाहिए उनका मानना है कि विमेन नॉट अ होमोजेनियस कम्युनिटी एक जातीय समुदाय नहीं है एक जाति को आरक्षण देना आसान है महिलाओं के अंदर कई जातियां हैं अपर कास्ट लोअर कास्ट आप आ, अमीर गरीब महिलाएं तो ऐसे में कोई सजातीय समुदाय नहीं है जैसे कि कास्ट के लिए होता है ऐसे में जो आप आरक्षण की बातें कहते हैं कि जो कास्ट बेसिस के भैया ये दबी कुचली समुदाय रहा है इसका शोषण किया गया है इसको करना होगा ये बातें जो कही जाती हैं ना ये महिलाओं के संदर्भ में ठीक नहीं बैठती हैं तो इसलिए नहीं देना चाहिए ये तर्क जो अगेंस्ट करते हैं इसके इनका कहना है दोस्तों संविधान समानता गारंटी देता है सब बराबर हैं महिलाओं को आरक्षण देते हो आप तो आप उस गारंटी का उल्लंघन कर दोगे ये तर्क मुझे समझ नहीं आता कभी लेकिन ये दिया जाता है सांसदों द्वारा कि सीटों का आरक्षण करने का विरोध करते हैं उनका कहना है कि संविधान ने हमारी गारंटी दी की अपने आप में है उसका तो कही देखा जाए आजादी के बाद हम देखें लगातार अभी राइट नाउ हो लगभग साढ़े दस, दस परसेंट संसद सांसद जो हैं वो तो महिलाएं हमारे यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ देखिए नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश में महिलाओं से परसेंट कम है हमारा दोस्तों हमारे यहाँ लगभग चौदह पंद्रह परसेंट सांसद होंगे अस्सी के आसपास जो भी संख्या होगी मान लीजिए पड़ोसी देशों का संख्या हमारे यहाँ ज्यादा है वहां की हमारे यहाँ पर महिला सांसद संख्या काफी कम दिखती है दोस्तों जी हां। तो निश्चित तौर काफी कम संख्या है हमारे यहाँ पर तो क्या किया जाए मूल्यांकन हम कह रहे हैं यहाँ पर करें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है महिलाओं कैसे देखेंगे इसको आप जी हाँ वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है जी हाँ वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है वुमेन एज अ वोटर लगातार बढ़ रही हैं हम देख रहे हैं लगातार हम देख रहे हैं महिलाओं की पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही है महिलाएं वोटिंग में पार्टिसिपेट ज्यादा कर रही हैं समय आगे आरक्षण दिया जाए हम देखें ज्यादा कैंडिडेट महिलाएं आ रही हैं ज्यादा कैंडिडेट महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं जीतने ना जीते लेकिन चुनाव लड़ रही हैं महिलाएं यहाँ पर ठीक है आ, तो क्या करना चाहिए सोल्यूशन क्या है सर हमारे पास सोल्यूशन है सीटों का आरक्षण दिया जाए जी हाँ कोई दर्क नहीं है इसमें कोई दो राय नहीं है आरक्षण देना ही चाहिए ओबीसी बी महिलाओं को दिया जाए ना दिया जाए सबसे डिबेट कर सकती है लेकिन इसकी वजह से आरक्षण का मुद्दा ना रोके महिला को आरक्षण दिया जाना चाहिए इसमें कोई दोराई नहीं है दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर महिलाओं को और जागरूक किया जाए महिलाओं को जो वायलेंस हो रहा है उनके साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसको रोकने कदम उठाए जाएं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तब होगा ना महिला चुनाव लड़ेगी घर में ही लोग रोक रहे हैं चुनाव लड़ने से तो महिला को आरक्षण दे भी देंगे चुनाव नहीं लड़ पाएगी वो तो आवश्यकता क्या है हमें इस हिंसा को रोकना होगा हमें अपने इलेक्शन फॉर्म में रिफॉर्म करने होंगे दोस्तों जहां पर मसल पावर की बात होती है मनी पावर की बात होती है अगर वो चुनाव डिसाइड होगा तो महिला कैंडिडेट भी आ गई तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगी मसल पावर मैन पावर वही रह जाएगा तो अल्टीमेटली दोस्तों हमें हम सुधार करना होगा उम्मीद कर रहा हूं मेरी बातें पहुंच पाई हैं आप तक दो के मीन में एक सवाल आया था यूपीएससी का आपकी स्क्रीन पर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड इंपैक्ट ऑन पैट्रिकल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पोलिटिकल प्रोसेस जी हाँ स्थानीय स्वशासन के संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का भारतीय राजनीतिक प्रक्रम के पितृ सत्तात्मा विलक्षण पर पर प्रभाव पड़ा है कमेंट करना था आपको यानी आपने 30 सालों का आरक्षण देते हुए लेकिन समाज का चेहरा नहीं बदला है समाज की सोच नहीं बदली है ये कहना है इसका पर कमेंट करना है आपको ये दो का सवाल है दोस्तों क्या ये आर्टिकल हो पाएगा हमारा तैयार हो जाएगा दोस्तों चलिए बताइए दी समझ को फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग हो जाएगा दोस्तों चलिए सर तो पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई मैंने आपको आरक्षण की आरक्षण क्यों दिया जाए क्यों ना दिया जाए क्या पक्ष में है या इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या सॉल्यूशन हमारे पास है वाई वी नीड विमेन रिजर्वेशन जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें प्रेजेंटेशन की बात करें तो हमें मिलना चाहिए आरक्षण यहाँ पर ठीक है तो महिला को आश्रय देना होगा हमको यहाँ पर दोस्तों ये बात है, दी मैंने आपके लिए चलिए आपकी राय क्या बता सकते हैं आप लोग मुझे आपका मानना क्या आरक्षण को लेकर ठीक है दोस्तों, करते हैं हमने, पे आज के, जी, दोस्तों ये आया है आज के द हिंदू में आया दो तो दिन पहले आर्टिकल अच्छा था मैंने का बात करू आपसे दोस्तों बात करते हैं देखिए ये आर्टिकल क्या कह रहा है बता दूँ अच्छा मैं बड़ा अच्छा आर्टिकल था इसमें कूँ सोलह तारीख को लास्ट नहीं हो पाई थी हमारी ये आ, अच्छा आप लोगों ने ये मेरा जी एम वाला लेक्चर देखा है क्या इसका इंडेक्स ये है यूट्यूब पर रखा हुआ है ये जी एम का स्पेशल लेक्चर दोस्तों बहुत ही शानदार लेक्चर था एक डेढ़ घंटे का लेक्चर था पूरा न्यूज़ क्या आई थी उस समय जी एम ओ क्या होते हैं एग्जाम्पल्स वर्ल्ड स्टेटस क्या है भारत में जी एम पॉजिटिव निगेटिव रिकमेंडेशन क्या हैं जी एम रेगुलेशन क्या हैं बी टी कॉर्टन अपडेट प्री के क्वेश्चन और मेन एक क्लास में हुआ दोस्तों मैर्थन क्लास हुई थी इसकी बीटी कॉटन की पर रखी हुई है जाके देखिएगा उसको आपने नहीं देखी है तो कई लोगों ने देखा होगा ये एक ऐसी अमर क्लास बोलते हैं ना ये हमेशा काम आएगी आर्टिकल कभी भी आ जाए यही क्लास काम आएगी आपको क्वेश्चन इस साल आ जाए पिछले साल आया हो उसके पहले आया हो इक्कीस में शायद बाईस में कराया था इस क्लास को मैंने कभी भी उठा के देखिएगा आपको क्वेश्चन कभी भी आएगा इस पीपीटी इस इस लेक्चर के बाहर कभी नहीं जाएगा वो ठीक है आइए बात करते हैं दोस्तों हमारा जो आज का आर्टिकल है वो क्या कह रहा है हमारा आज का आर्टिकल कह रहा है दोस्तों कि देश में जो बीटी या कहना चाहिए जीएम मस्टर्ड है जो सरसों की बात हो रही है जीएम सरसों की उसके क्या फायदे हैं जीएम सरसों के क्या फायदे हैं इसकी बात मैं करना चाहता हूं आपसे पांच मिनट दीजिएगा आर्टिकल मेरे साथ आप लोग जीएम सरसों के क्या फायदे हैं तो जीएम मस्टर्ड या जीएम सरसों की बात करें क्या जानते हैं जीएम सरसों के बारे में हम लोग दोस्तों देखिए भारत में सरसों का कंजम्पशन काफी अच्छा होता है ठीक है वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रॉप है तिलहन की हमारे यहाँ पर दोस्तों अगर मैं क्वांटिटी वाइज बात करूँ तो देश में जो 25 मिलियन टन अगर हम तिलहन यूज करते हैं 25 मिलियन टन तो उसमें से हम लोग लगभग तेरह मिलियन टन का इम्पोर्ट करते हैं दोस्तों इतना हम इम्पोर्ट करते हैं लगभग सिक्सटी परसेंट हम लोग खाद्यान्न तेल आयात करते हैं सिक्सटी खाद्यान्न तेल आयात करते हैं और आठ मिलियन टन हम पैदा करते हैं सरसों दोस्तों जी हाँ तो सरसों का उत्पादन काफ़ी बड़ा है टोटल क्रॉप का वन थर्ड तो सरसों ही हमारे यहाँ पर तो सरसों की डिमांड भी काफ़ी होती है और इसका उत्पादन भी देश में होता है देश के काफ़ी राज्य हैं दोस्तों सरसों के उत्पादन के लिए अगर मालवा का बेल्ट में आपसे कहूँ यहाँ पर या गुजरात में थोड़ा बहुत या फिर साउथ में जाना पड़ेगा आपको तो बड़े स्तर पर सरसों मालवा बेल्ट में एम मिलेगी आपको या आस के इलाकों में फाइन सर सरसों की लिमिटेशन क्या है भारत में जो ट्रेडिशनल सरसों होती है दोस्तों सरसों ट्रेडिशनल परंपरागत सरसों जो होती है जो वरुणा हमारे यहाँ किस्म होती है वरुणा एक किस्म है दोस्तों वरुणा ये हमारी ट्रेडिशनल किस्म है सरसों की वरोना कपास माफ कीजिएगा सरसों तो, की तो किस्म है वैरायटी है वरुणा हमारे यहाँ ट्रेडिशनल वैरायटी है इसकी बात करें तो लिमिटेशन क्या है सरसों की दोस्तों पहली बात तो हमारे यहाँ जो वैरायटी है सरसों की उसकी प्रोडक्टिविटी काफी कम है उसकी उत्पादकता काफी कम है दोस्तों ये माना गया है प्रोडक्टिविटी काफी कम है हमारे यहाँ सरसों की अगर दुनिया से कंपेयर करें तो तीन गुना कम तक आती है जी हाँ वन थर्ड आती है दुनिया से दूसरी बात हमारे यहाँ पर, पर सरसों के अलावा सरसों में बीमारियां तो नहीं कहूंगा लगती हैं लेकिन हाँ सरसों में प्रोडक्टिविटी कम होने के साथ साथ आ, हमारे यहाँ अगर प्रोडक्टिविटी तो कम है ये कम होने का बड़ा कारण है सरसों का जेनेटिक ऑर्डर उसका आ, इस हम कह सकते हैं मेल फीमेल जो सरसों में उसका फूल बनने के लिए आवश्यक होते हैं यहां पर वहां पर हमारे जो मेल फर्टिलिटी है वो ज्यादा रहती है सरसों में और फीमेल फर्टिलिटी कम आती है जी हाँ तो ऐसे में जो मेल फर्टिलिटी वाला पार्ट है जो उसमें नर जनाक है वो ज्यादा रहते हैं महिला जनाक कम होते हैं इस कारण फूल पनपते नहीं है दोस्तों और कहीं ना कहीं बड़ा कारण प्रोडक्टिविटी ना होने का इसलिए जेनेटिक बदलाव करना जरूरी था दूसरा भारत में ना हमारे यहाँ पर सरसों जो है इसकी बहुत ज्यादा वेरायटी नहीं है बहुत ज्यादा किस्में नहीं है वर्णना मिलेगी दो चार और मिलेंगी आपको तो सरसों की बहुत ज्यादा या बहुत अधिक वेरायटी नहीं है हमारे पास अधिक किस्में नहीं है तो एक आध दो किस्में हमारे पास इसका पूरे देश में उत्पादन करते हैं तो वैरायटी बहुत कम है हमारे पास फाइन सर इसलिए लाया गया जीएम सरसों अब जीएम सरसों की अच्छी बात क्या है दोस्तों पहली बात तो इसको तैयार किया पीटी दो का क्वेश्चन दोस्तों तैयार किया है भारत में ही तैयार किया गया है तैयार किया है डी के वाइस चांसलर की बात करें पेंटल साहब की तो दीपक सर की टीम ने तैयार किया भारत में इसको ठीक है यानी ये बाहर का कोई नहीं है ये जो बनेगा बीज वो भारत में बनेगा भारतीय कंपनियां बनाएंगी इसको जो कि अच्छी बात होगी हमारे लिए ठीक है दूसरी बात दोस्तों जीएम सरसों में हमने इसमें कुछ जीन इंसर्ट किए हैं दोस्तों जीन इंसर्ट किए हैं बारनेस और बारस्टार बारनेस और बारस्टार जीन ये दो जीन इंसर्ट कराएं दोस्तों हम लोगों ने इसके अंदर जिससे जो मेल फर्टिलिटी वाला पार्ट है वो कम हो सके और दोनों हार्मोन में आ सके और कहना कि ग्रोथ कर सके पौधा पनप सके फूल आ सके तो बारस्टार और बारनेस मैं चाहूंगा पढ़ते जाए साथ में अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए दोस्तों तो मैं चलता हूँ आर्टिकल पर लेकर आपको पहले तो

इसमें दो बीज जीन याद रखिए बारनेस और बारस्टार ये दो जीन हैं जो इंसर्ट कराए गए हैं जो मैं कह रहा हूं आपसे यहाँ पर पुरुष प्रजनन क्षमता को हटाने और संताओं बहाल करने के से काम करता है यानी पौधे में पुरुष प्रजनन क्षमता कम हो जाए और महिला प्रजनन क्षमता बढ़ जाए इससे बैलेंस हो सके और फूलों का जन्म हो सके यहाँ पर ठीक है ना तो पुरुष प्रजनन क्षमता को कम करने के लिए कौन सा जीन यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर बारनेस बारस्टार कोई समस्या नहीं है सर अब इसका फायदा क्या होगा दोस्तों समझिएगा मैं सीधी बात कर रहा हूँ डीएमएच 11 तैयार तो कर लिया इसका एडवांटेज क्या है भारत में आइए र एडवांटेज की बात मैं करता हूं दोस्तों तो डीएमएच 11 जो हमने किस्म तैयार की है इसके एडवांटेज इसके फायदे क्या हैं ठीक है इसका एडवांटेज नंबर एक इसका एडवांटेज नंबर एक दोस्तों एक चीज़ बताऊँ दोस्तों में लगातार हम देख रहे हैं मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ काफी लोगों से कि पिछले एक अब जो मेंस इस बार आपने देखा हो सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ आपने देखा होगा कि मेंस का पेपर देखा आप लोगों ने आपको फील हुआ होगा एक साल के का आर्टिकल्स काफ़ी थे अपने बात करने के लिए एक डेढ़ साल के आर्टिकल बहुत थे जितने क्वेश्चन आए पेपर टू और थ्री में स्पेशली मैं कहूँ पेपर वन की जोग्राफी की और इंडियन सोसाइटी की मैं कहूँ अगर तो एक बड़ा चंक एक बहुत बड़ा चंक अपने निबंध में कह सकता हूँ तो अब बहुत बड़ा चंक क्या रहा जो आपके आर्टिकल में था दोस्तों आर्टिकल में पढ़ा और सी ए क्वेश्चन वहाँ पर आ गया करंट अफेयर्स भी रहा रुकदान नहीं है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन भी है लेकिन आर्टिकल सी ए क्वेश्चन आए हैं तो आर्टिकल के इंडेक्सिंग को लेकर आप बात बार कहते रहे हैं दोस्तों मैं प्रयास भी किया एक दो बार आर्टिकल का इंडेक्सिंग आप कर पाएँ तो जो लोग वॉलंटियर करना चाहें स्वेच्छा होगी दोस्तों क्योंकि मैं शायद अपनी टीम से कहूँ वो नहीं कर पाते हैं कई बार क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं उनको एक्सर देखना पड़ता है जाके अलग से क्योंकि वो एज आज अ वर्कर हैं एज अ स्टूडेंट नहीं है वो वो हर आर्टिकल को नहीं देख सकते हैं और लिमिटेशन होती है अपने आप में उनकी एक वर्ड फाइल में क्रिएट करता हूँ एक गूगल शीट क्रिएट करता हूँ वर्ड फाइल उसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा आप उसमें आर्टिकल लिख दीजिए आज का आर्टिकल कौन सा है तो एक चेंज चलती रहेगी वहाँ पर हमारी जो इन पॉइंट आर्टिकल आएंगे जो हमारे हुए या नहीं हुए नोट्स में सब कुछ रहता है आपके नोट्स में चार पाँच आर्टिकल आते ही आते हैं भले क्लास में तीन हो नोट्स में चार आते ही आते हैं आपके तो साथ में उसका फाइल का लिंक हो जाएगा वहाँ पर सामने आपका आर्टिकल लिख देंगे हम लोग तो एक 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 वर्ड फाइल क्रिएट कर लेते हैं एक शेयरिंग वाली फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग जिसमें आप लोग अपना उसको भर सकें आराम से ठीक है तो एक दो लोग ऑथोराइट रूम हमें लिखने के लिए उसमें आप लिख सकते हैं फाइल का नाम अपना नाम कि आज का आर्टिकल कौन सा था हिंदी में इंग्लिश में लिखना चाहें आप कॉपी पेस्ट करना होगा या आर्टिकल का हिंट दे दीजिए किस पर आर्टिकल था जीएम क्रॉप पर था किस पर था तो पूरे एक साल के आर्टिकल अपने पास होंगे आने वाले एक अक्टूबर से हम प्रयास करेंगे एक अक्टूबर से लॉन्च करेंगे अगले अक्टूबर तक पूरा काम करेंगे बारह महीने का तो इसमें मेरा वॉल्टियर कम होगा आपका ज़्यादा होगा जो सीरियस कैंडिडेट उनके लिए आपके पास एक जगह होगा कौन कौन से आर्टिकल आए हैं हालाँकि अपने स्तर पर कर रहे हैं तो करते रहिए मना नहीं करूंगा लेकिन ये सबका साथ हो जाएगा इसमें ना मैं भी चेक कर पाऊँ कौन से आर्टिकल हमने कर लिए जिससे एक जगह पर हो जाएगा मैं क्वेश्चन डालना है वही फाइल में डाल दूंगा सामने में मुझे आर्टिकल लिंक देना है कुछ एडवांस देना है तो वहाँ जोड़ दूंगा मैं तो अगर मेरे पास ये फाइल रहेगी जिसमें लिखा हुआ डेट और सामने आर्टिकल तो यहाँ कॉलम अगर खाली है मेरे सामने लिख दूंगा आर्टिकल का लिंक डाल दूंगा नोट्स का लिंक डाल दूंगा क्वेश्चन डालना है वो डाल दूंगा मैं सामने आपके लिए आसान हो जाएगा ठीक है तो ये एक वॉल्टियजम होगा अपने आप में जो करना चाहें बता दीजिएगा अगली बार जब चैट करूंगा मैं तो बता दीजिएगा जो करना चाहे मेरे साथ ये काम साल भर की मेहनत है देखिए कोई हल्का फुल्का काम नहीं साल भर वाला कमिटमेंट होगा फिर ना तो फिर आपको फायदा ही मिलेगा इसका जब साल भर करेंगे तो जो भी आर्टिकल होता जाएगा हम लोग जोड़ते जाएंगे उसका लिंक उसके नोट्स का लिंक उस पर कोई क्वेश्चन या कुछ पर अदर आर्टिकल्स कभी आया भविष्य में तो भी हम सामने लिख देंगे इससे आप दो आर्टिकलों के साथ लिंक कर पाए ठीक है सर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं <coughs> या थोड़ा सा ऐसा बना लेंगे लिस्ट को मैं ऐसा बना दूंगा आपके लिए डेट वाइज हो जाएगा पेपर वन के आर्टिकल पेपर टू के आर्टिकल पेपर थ्री के आर्टिकल पेपर फोर के आर्टिकल ऐसा बना लेंगे उसको हम लोग ठीक है और पे आप कॉलम बना देंगे यहीं पे क्वेश्चन लिख दिया जाएगा आर्टिकल का नाम क्वेश्चन और उस पर कुछ और जानकारी है तो वो तो एक ही कॉलम में सब कुछ दे दिया जाएगा जिससे एक ही जगह पर हो जाए मालूम पड़ जाए आर्टिकल वन कितने आए टू के इतने आए थ्री कितने आए तो अच्छा लग जाएगा तो ठीक है करके देखते हैं वॉलेंटिजम करके देखते हैं आप लोग जो करना चाहें मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत होगी पाँच मिनट देने पड़ेंगे डेली दे आपको अपने नियमित तौर पर लेकिन आप ही का फ़ायदा है और मेरा तो फ़ायदा ही है तो राय नहीं है आप ही का फ़ायदा है ठीक है चलिए सर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से मैंने बेटा यहाँ नहीं कहा करने को मैंने कहा चैट जब करेंगे तब बताना ना यहाँ बोल के कुछ मतलब नहीं है चैट में जब मैं पूछूंगा चैट जब अपनी होती रहती है वहाँ बताना मुझे आप लोग कौन कौन करना चाहता है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे चले आपके साथ तो डीएमएच की बात मैं कर रहा था डीएमएच एवन के फायदे क्या हैं सुनिएगा डीएमएच इलेवन के फायदे क्या हैं दोस्तों तो कही कहीं ना कहीं इससे हमारे क्या होगा आइए डीएमएच के फायदे गिना दूंगा आपको यहाँ पर डीएमएच एम इलेवन के फायदे क्या होंगे पहली बात इससे सरसों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सरसों की उत्पादकता में वृद्धि होगी दोस्तों पहला पॉइंट दूसरा ऑफ कोर्स किसानों की आय बढ़ेगी दोस्तों दो राय नहीं है इनकम बढ़ेगी फार्मर की तीसरा पॉइंट चूंकि हमारे पास वैरायटी काफी कम है सरसों की तो इससे नई वैरायटीज क्रिएट होंगी जी हाँ तो किस्में तैयार होंगी नई प्रकार की नई वैरायटीज तैयार होंगी इससे हमारे पास ठीक है दोस्तों और क्या है चूंकि डोमेस्टिक बनाया है घर में बनाया गया बीज उसके महंगा होने के चांस नहीं है कोई मॉनसेंटो का नहीं है किसी विदेशी कंपनी का नहीं है तो इससे इसके महंगा होने के बीच के महंगा होने के चांस नहीं है सस्ता रहेगा आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट के अनुरूप है दोस्तों ये खुद का बीज है खुद हम पैदा कर रहे हैं इसके अलावा दोस्तों ये भी माना गया है कि सरसों को में आयात करना पड़ता है विदेशी मुद्रा भंडार हमारा खत्म होता है हर साल तो विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा हमारा इससे फॉरेक्स हमारा बच जाएगा कहीं ना कहीं बाहर नहीं देना पड़ेगा हमको यहाँ पर तेल नहीं खरीदना पड़ेगा बाहर से हमको ये होगा फायदा कहीं ना कहीं और क्या फायदा है दोस्तों सरसों के साथ एक फायदा और था बीटी कॉटन कॉटन खाते नहीं है तो मुश्किल नहीं थी हमारे लिए गैर खाद्यान्न फसल थी पहली बार डीएमएच इलेवन को सरकार ने परमिशन दे दी है इसको परमिशन मिल गई दोस्तों स्वीकृति मिल गई है यहाँ पर और इसको अप्रूव मिलने का मतलब क्या है कहीं ना कहीं अब पहली बार फूड क्रॉप को भी हमने उत्पादन शुरू कर दिया है ठीक है ना तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपके लिए रखेगा इसके फायदे क्या हैं निगेटिव भी है सर कुछ डीएमएच का निगेटिव भी है निगेटिव है सर निगेटिव है निगेटिव क्या है कई एक्सपर्ट मानते हैं इसका अब तक हेल्थ ट्रायल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया गया है इसका स्वास्थ्य पे क्या असर होगा अब तक इसके परीक्षण नहीं किए गए हैं दोस्तों आइए मैं आपको इसी भी में आपको दिखाता हूँ जो मैं पहले बनाई थी आप लोगों के लिए ये वीडियो एक घंटे मैराथन क्लास अपनी दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो थी आपकी ये किया था इस वीडियो को तो आप समझ सकते हैं पूरा मैंने कराया था जीएमओ क्या होते हैं ठीक है व्हाट इज जीएमओ क्या होते हैं हिंदी इंग्लिश था आपने पूरे वीडियो ठीक है जीन ट्रांसफर क्या होता है मैं डीएमएच पे आता हूँ डीएमएच का नेगेटिव आस्पेक्ट क्या है दोस्तों ओके ये हमारा सवाल था जी एम फर्स्ट फ्लोर की स्थिति बी कॉटन बी टी और डीएमएच एलेवन ठीक है ना तो बारने बारह स्टार बताया दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर ठीक है तो इसमें हमने तैयार कर लिया इसको फाइन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है लाभ हानि की बात करें इसमें हम लोग तो अच्छी बात क्या है इसमें दोस्तों बीमारियां से लड़ सकता है ख़राब नहीं होगा लंबे समय तक रासायनिक उपचारों के लिए प्रतिरोध पैदा करेगा कहीं ना कहीं प्रकार से वॉट एवर अच्छी बात होगी लेकिन निगेटिव आस्पेक्ट क्या है दोस्तों नेगेटिव समझिएगा निगेटिव, निगेटिव लोग विरोध कर रहे हैं इसका हमारे किसान भाई इसका विरोध कर रहे हैं जी मस्टर्ड का आखिर क्यों लोग विरोध कर रहे हैं सरसों का यहाँ पर क्यों लोग मोन्सेंटो या बाकी अपनी तारीफ कर तो रहे हैं इसमें आनंद क्या है डिसडवांटेज क्या है दोस्तों तो यहाँ पर लोग मान रहे हैं बीज हम तैयार करेंगे सरसों बीज हमारा खुद का है लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते आप यहाँ पर बीजों को एकाधिका से दोस्तों एनवायरमेंटल कंसर्न है कहीं ना कहीं आ, एथिकल कंसर्न है दोस्तों यहाँ पर आ, इससे क्या होता है ना हमारे जो प्राकृतिक प्राणी हैं जो टिके रहते हैं सरसों के ऊपर सरसों को भोजन बनाते हैं वो खत्म हो जाएंगे इससे हेल्थ कंसर्न है दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्थ ट्रायल अब तक नहीं किए गए हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों एनवायरमेंटल कंसर्न भी है है माया गया है कि जो फसलें होती है किडनी इंजरी कैंसर बर्थ डिफेक्ट्स आदि पैदा कर सकती हैं एनवायरमेंटल कंसर्न है आपकी प्रजातियों खत्म हो जाएगी जो लोकल प्रजातियां खत्म हो जाएंगी इससे आपकी ये मानते हैं लोग यहाँ पर सुपर वीट जी हाँ हो सकता है ऐसा खरपतवार पैदा कर दे इसको मारने के लिए आपके पास कोई बीजी ना हो जैसे हमने कपास में भी देखा है वो समस्या हो सकती है इकोनॉमिक कंसर्न है दोस्तों अपने आप में आ, जो व्यापारी उनका मानना है कि सरसों बहुत ज्यादा मार्केट में आएगा तो सरसों का प्राइस कम हो जाए किसान उसका मूल्य नहीं मिलेगा प्राइस क्यों मिलता है सरसों का क्योंकि कम आता है ज्यादा मात्रा में आएगा प्राइस मिलना बंद हो जाएगा सरसों का नुकसान होगा लोगों को हमारे तो कुछ अपोजिशन कर रहे हैं यहाँ पर लोग डीएमएच इलेवन को लेकर दोस्तों क्या मेरी बात पहुंच पाई है आप तक हो पाएगा दोस्तों बात हमारी यहाँ पर क्लियर आर्टिकल चलिए अच्छा जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे दोस्तों मैं आपको बीटी क्वार्टर में लास्ट में लगा रखे थे मैंने क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन मेंस में आया दोस्तों में क्वेश्चन आया है हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर जी हाँ क्वेश्चन आया हुआ मीन्स में दोस्तों आपका ये किसानों के जीवन सुधारने में बायोटेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्या इंप्रूव कर सकती है इसके फायदे गिना दीजिए इसके अलावा और क्या कर सकते हैं दोस्तों हम लोग आप इसका प्रयोग करके फर्टिलाइजर जी हाँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप प्रकार के जैव उर्वरक बना सकते हैं दोस्तों जैव उर्वरक बना सकते हैं जो केमिकल खेती को कम करेंगे अफकोर्स किसानों को फ़ायदा होगा इससे इसके अलावा दोस्तों और क्या हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किसानों की इनकम को बढ़ाने में कैसे कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी uh, का यूज़ दोस्तों हम लोग कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में उत्पादकता को बढ़ाने में दो राय नहीं है जी फसलों के बिना भी कई प्रकार की हाइब्रिड फसलें बनाई जाती हैं दोस्तों संकर फसलें बनाई जाती हैं जो जो किसानों की इनकम को बढ़ा सकती हैं उनके उत्पादन को बढ़ा सकती हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ और कहाँ कर सकते हैं किसान भाई हमारे यहाँ पर फसलों को स्टोर करने भंडारण को लंबे समय तक सुरक्षित करने में पैकेजिंग करने में तो फूड स्टोरेज करने में और फूड की पैकेजिंग करने में इसके इसके प्रयोग बढ़ सकते हैं दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किसान भाई कैसे कर सकते हैं कल यू ने क्वेश्चन पूछा मे दो हज़ार में दोस्तों इस साल यू पी में सवाल पूछा बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कैसे बायोफ्य मदद कर सकते हैं तो बायोफ्य में मदद करते हैं आजकल कुछ आपके कई प्रकार के सूक्ष्म जीवी तो क्या खेत किसान भाई भी यूज कर सकते हैं हमने देखा भी कि पराली को जलाने से बचाने के लिए किसानों को कई प्रकार के बायोटेक बैक्टीरिया दिए गए जो फसलों को वहीं सड़ा देते हैं खेत के अंदर इन इनसीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू फसलों के अपशिष्ट का स्वस्थाने प्रबंधन इसको कहते हैं तो इन इनसीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू दोस्तों फसलों के अपशिष्टों का स्वस्थाने प्रबंधन इसको करने के लिए भी क्या काम आते हैं बैक्टीरिया काम आते हैं अभी हमने तैयार किए एंजाइम खेत के पराली पर डाल दीजिए वहीं सड़ जाएगी खाद बन जाएगी दोस्तों जी हाँ। इसके अलावा खेत की पराली जो है उससे आप बायोफ्यूल तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविज्म और बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से जी हाँ तो पराली से ईंधन तैयार करना जो कल का क्वेश्चन था जोड़ रहा हूं यहाँ पर मैं इसका भी यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का गोबर गैस तो बना ही रहे हैं किसान भाई हमारे यहाँ पर सीबी बन रही है हमारे यहाँ आजकल कल कंप्रेस बायोगैस बनती है बैक्टीरिया की सहायता से तो सीबी बना रहे हैं हम लोग ये इसमें जोड़ सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल में और क्या यूज सकता है बायोटेक का किसान भाइयों के लिए हमारे यहाँ पर बेटा हाइब्रिड का संकर ही होता है संकर प्रजाति कहते हैं हाइब्रिड को संकर भाई यही कहते हैं संकर प्रजाति ठीक है और क्या यूज कर सकते हैं किसान भाई हमारे यहाँ पर किसान भाई और क्या कर सकते हैं बायोटेक में यूज का बायोटेक का यूज खेती में भंडारण में प्रोसेसिंग में ख़राब ना हो चीज़ें उसको बचाने में आ, कई बार मिट्टी के पॉल्यूशन को ख़त्म करने में फाइटो रेमिडेशन सुना होगा बायो रेमिडेशन सुना होगा आपने जैव उपचार मिट्टी को प्रदूषण मुक्त करना है जैव उपचार कर सकते हैं बायो रेमिडेशन कर सकते हैं दोस्तों जैसे हम फाइटो रेमिडेशन करते हैं कई बार बैक्टीरिया डाल दीजिए मिट्टी में मिट्टी में जो पॉलिटेंट आ गए उसको साफ़ कर देंगे वो जी हाँ तो बायो रेमिडिएशन या जैव उपचार कर सकते हैं मिट्टी का हम लोग विद द हेल्प ऑफ बायो टेक्नोजी मदद कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा द स्टडी ऑफ जीनोमिक्स हर किसी फसल का जीनोम तैयार कर रहे हैं केले का चने का दाल का चावल का जिससे हम बीमारियां कौन सी हो सकती हैं फसलों के अंदर उनका स्टडी कर पा रहे हैं तो अल्टीमेटली पॉइंट छूट रहा था मेरा यहाँ पर वो था जीनोम का तो जीनोम स्टडी जीनोमिक्स का स्टडी करते हैं दोस्तों हम लोग फसलों का जिससे हम लोग फसल कौन बीमारियाँ हो सकती हैं जेनेटिक स्टडी कर लें हम उसका तो उसको एडिट करना उसमें कुछ नए जीन जोड़ना या स्टडी करना बीमारियाँ कौन सी हो सकती हैं फसल को फसलों में बेहतर लाइफ हो सकती है पीटी 2017 में क्वेश्चन आया था दोस्तों इसके ऊपर जीनोमिक सीक्वेंसिंग या जो जीनोमिंग अनुक्रमण होता है उससे फसलों को क्या फायदा होता है पीटी 17 में क्वेश्चन आया था जीनोम सीक्वेंसिंग पर दोस्तों और वो जुड़ा था एग्रीकल्चर के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों सारी बातों को आप लिख रहे हैं सारी बातों को यहां समझ रहे हैं हुबाई तो का तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज फॉर फार्मर्स तो यार, दो, यार। दो, दो, चलिए दोस्तों आपको बार बार कह रहा था लास्ट ईयर कि क्लाइमेट चेंज तैयार करना क्लाइमेट चेंज का असर क्या पड़ रहा है एग्रीकल्चर पर फूड सिक्योरिटी पर हेल्थ पर अर्बन डिजास्टर पर दो क्वेश्चन आ गए सीधे सीधे यार क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पर और क्लाइमेट चेंज का फूड सिक्योरिटी पर दोनों क्वेश्चन सीधे पूछ लिए और एक बोलता था वाटर पे क्या असर पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा हिमालयास पे क्या असर पड़ेगा कोस्टल लैंड पे क्या असर पड़ेगा सीधा आ गया पानी के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं सीधा क्वेश्चन आपके लिए तीन तीन क्वेश्चन दोस्तों क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट के ऊपर मैंने कई बार कहा था आपसे क्लाइमेट चेंज के असर क्या क्या होंगे आपको याद हो कई लोगों को मैंने कई बार याद होगा मैंने कहा था क्लाइमेट चेंज का असर अलग तैयार कर लीजिएगा सब पे पचास साठ वर्ट पचास साठ वर्ट तैयार कर लीजिएगा कई बार मैंने कहा था आपसे और मैंने लिखवाया भी था कई लोगों को एग्रीकल्चर पे असर फूड सिक्योरिटी पर असर ह्यूमन हेल्थ पे असर वाटर सोर्सेज पे असर क्या क्या हुआ क्लाइमेट चेंज का एक्जैक्टली exactly, यही क्वेश्चन तीन क्वेश्चन पूछे इस बार के मेंस में आपके लिए तैयार रहिएगा दोस्तों अगली बार भी काम आएगा आपके लिए अजय पूछ रहे हैं सर एमएसपी क्या है बासमती धान पर मुझे क्या मालूम यार और क्यों मालूम होना चाहिए मुझे गूगल पूछ ले भाई मुझसे पूछो गूगल से पूछ लेता गूगल तो देगा तेरे को क्या यार कहाँ हटके रहते हो तुम लोग ना बात ये करो कि एम के डिक्लेयर होने से बासमती को क्या असर पड़ता है तो वो काम का है मेरे बासमती पर एमएसपी क्या चल रहा है इस समय अगले साल फिर बदल जाएगा जब तक तो मैं एग्जाम में ले जाऊँगा वहाँ बदल जाएगा जून जुलाई तक वो आते आते मैं ऐसी चीज याद क्यों करूँ याद करना हो तो एग्जाम का टाइम कर लूँगा एग्जाम पूछना नहीं है कभी उसको ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं सर आगे बढ़ते हैं आपके साथ अच्छा नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है पीएम वाणी आर एस शर्मा जी का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का 19 सितंबर का दोस्तों पीएम वाणी आइए बात करते हैं पीएम वाणी के बारे में कोई क्वेश्चन आपके पास यहां तक पूछने के लिए दोस्तों कोई प्रश्न आपके पास हो तो पूछ सकते हैं आप लोग अभी फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग किसी को प्रश्न हो कुछ जल्दी से पूछता हो तो पूछ सकते हैं हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे सर आपका मेंस का वीडियो यूट्यूब पर है मेंस का बेटा कौन सा मतलब कह रहे हो आप इकोनॉमी का मेंस का तो है काफ़ी यार कल के सारे क्वेश्चन आए हैं लैंड रिफॉर्म का क्वेश्चन आ गया आपका एग्रीकल्चर उसका जो क्वेश्चन था आपका मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन उस पर क्वेश्चन आ गया आपका यार मतलब पेपर थ्री तो छपा पड़ा है ना मैं मतलब कल दिखा भी रहा था टेलीग्राम में बात भी कर रहा था टेलीग्राम चैट कर रहा था आपसे आप लोगों से टेलीग्राम पर तब भी मैंने कहा था एक एक क्वेश्चन यार मतलब पेपर थ्री तो एज इट इज आ गया एज इट इज कुछ नहीं करना उस पर हमने चौदह तारीख को चंद्रयान तीन पे बात की थी रात में आपसे कि खास बात क्या चंद्रयान तीन का स्पेशल यूनिक फीचर क्या है और सीधा क्वेश्चन वहाँ से आ गया आपके लिए तो मतलब क्या ही कहा जाए ना तो पेपर थ्री तो ऐसा है कि एक भी क्वेश्चन शायद ही बाहर गया हो मतलब उन्नीस क्वेश्चन आए जो तो सीधे सीधे नोट्स से अपने सीधे क्लास से आए हैं सर नोट्स में लिखा देर इज नो एमएसपी ऑन पेडी साइंस टेक वाले लेक्चर में नोट्स में लिखा है देर इज नो एमएसपी ऑन पेडी साइंस टेक वाले लेक्चर में किस मुद्दे पर दोस्त किस मुद्दे पर एमएसपी तो आता है ना क्यों नहीं आता एमएसपी बिल्कुल आता है यार जो भी क्लास का नोट्स चाहिए आपको एविडेंस चाहिए तो सब टेलीग्राम पर रखा था मैंने तो कल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो यार आशीर्वाद नोट्स ग्रुप वाला चुपचाप वो आपके लिए रामबाण है आपको जुड़े रहो उसमें आपसे बात भी होती रहती है वहां पर आपको नोट्स मिलते रहते हैं पीडीएफ मिलते रहते हैं क्लास का लिंक मिलता रहता है कुछ नहीं करना एक बार लिख करना है तो सारे सवाल वहीं मिल जाएंगे जब आपको ना वहाँ चैट बॉक्स का भी खुला रहता है सवाल वहाँ पूछ लिया कीजिए आराम से अपने वर्ल्ड न्यूज भी स्टार्ट कर दें सर ने बात करने का मौका दे दिया तो पहला लड्डू फूटा वाला विज्ञापन आता ना एक लड्डू फूटा एक और लड्डू फूटा चलो सर से यही मांग लेते हैं अभी कोई आएगा सर वो भी इंडियन बुक भी करा दीजिए कोई आएगा सर पी आई बी वाला लेक्चर ऐसे ही होगा चलो कोई बात नहीं सर अब करंट अफेयर्स टेलीग्राम पे संपर्क करो दोस्त ठीक है चलो हाँ यार जी ट्वेंटी बात कही यार जी ट्वेंटी मेरा वादा है आप लोगों से वादा खिलाफी हो जाएगी मैंने बोल रखा है यार आप लोगों से जी ट्वेंटी का ठीक है चलो जी ट्वेंटी लेना है यार वो तो मतलब एक तैयार लेक्चर है मतलब ना तैयार रखा हुआ लेक्चर है पीपीटी तैयार है सारा कंटेंट तैयार है सिर्फ आके डिलीवर करना है मुझे ना मतलब ये भी नहीं कि कुछ सोचना है डिलीवर करना है सब तैयार है उसका मुझे सर एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑन डेंट ऑन डेमोक्रेसी क्या कोई भी आरक्षण का प्रकार खासकर संसद विधानसभा में लोकतंत्र पर एक डेंट है मैं नहीं मानता दोस्त संविधान कहता है दिया सकता है क्या आपको लगता है पंचायतों में जो आरक्षण दिया वो गलत था आप जनप्रतिनिधि वहाँ बैठे हैं पंचायतों में जो आरक्षण दिया गया उससे गलत परिणाम पर निकला आपके लिए मैं नहीं मानता हूँ ऐसा जो तो आरक्षण दिया गया उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं तो ये कहना कि जनप्रतिनिधित्व में आरक्षण देना डेंट है डेमोक्रेसी पर बिल्कुल नहीं मानता इस बात को मैं यहाँ पर ठीक है चलिए चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों आइए बात करें आरष शर्मा जी मेरे फेवरेट व्यक्ति हैं आर्य शर्मा जी ठीक है ट्राई के अध्यक्ष रह चुके हैं ट्राई के अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों तो ट्राई आ... के अध्यक्ष रह चुके हैं बहुत सारी कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं कहूँ तो मैं क्या क्या कहूँ उनके बारे में डिजिटल इंडिया को बढ़ाने में इनका योगदान काफी बड़ा रहा है दो राय नहीं है ट्राई के अध्यक्ष रह चुके हैं अभी कुछ दिनों पहले डेटा प्राइवेसी कमेटी आई थी उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं ये ठीक है आ जाओ एक बार आ जाओ देखिए ये जो जब अध्यक्ष थे ना ट्राई के और बाद में जब डिजिटल इंडिया के अध्यक्ष रहे लंबे समय तक इन्होंने एक बात कही थी इन्होंने कहा था कि देश में जैसे पहले एस टी होते थे ना हमारे एस टी बनते थे आपको याद होगा जब घरों में टेलीफोन कम होते थे लोगों के एस टी डी पीसीओ होते थे तो मोबाइल हो गए लोगों के पास तब एस टी क्या करते थे लोगों को एक रुपए दो रुपए में आपको कॉल करने की फैसिलिटी देते थे यहां भी लगभग यही बात कह रहे हैं

पीडी होते थे पब्लिक डेटा ऑफिस ठीक है तो यहाँ पर इसको वाई फाई हॉटस्पॉट ही थे बेसिकली लेकिन सार्वजनिक डेटा कार्यालय पीडीओ बोलते हैं उनको यहाँ पर तो पी सीओ के अवधारणा के समान बनाए जाए पीडियो बनाया जाए ये कॉन्सेप्ट था इनका ये कॉन्सेप्ट अठारह उन्होंने दिया यहाँ पर ठीक है सरकार को अच्छा लगा कॉन्सेप्ट सुन के कि लोग अब इंटरनेट यूज कर पाएंगे आराम से लेकिन उस समय जो प्राइवेट कंपनियां थी उन्होंने अपोज किया इसका उनका कहना था कि जनाब अब तुम हम फोर जी लेकर आ गए लोगों के हाथ में सस्ता फोन आ गया सस्ता इंटरनेट है भारत के अंदर यूज करेंगे ना लोग आराम से आप क्यों बनाते हो पीडीओ मत बनाओ पीडीओ तो सरकार का ये कार्यक्रम काफी हद तक छोटा पड़ गया कहना चाहिए ध्यान नहीं दे पाई सरकार फिर एक दो साल बाद फिर सरकार जागी प्राइवेट कंपनी कुछ करना था नहीं प्राइवेट कंपनी कुछ किया भी नहीं सरकार फिर जागी जा साल बाद भैया कहा है हमारे पीडीओ तो फिर सरकार ने दोबारा लॉन्च किया पीएम वाणी कार्यक्रम फिर कोरोना आ गया उसके बाद आगे बढ़ नहीं पाया कार्यक्रम अब कोरोना खत्म हो चुका है तो आर एस शर्मा कह रहे हैं कि पीएम वाणी को दोबारा बढ़ाने का समय आ चुका है जी दोस्तों आइए बात करते हैं इस आर्टिकल पे आपके साथ क्या है आर्टिकल चलिए ये आर्टिकल क्या है दोस्तों तो डिजिटल इंडिया जो कैंपेन था दोस्तों ये तीन बेस पर था आपका तीन पार्ट से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बता दूँ मैं आपको यहाँ पर डिजिटल इंडिया 2015 में जब लॉन्च किया था हमने पावर टू एम्पावर इसमें तीन लक्ष्य थे दोस्तों पहला तो ये कि लोगों के पास कनेक्टिविटी पहुंचे कनेक्टिविटी पहुंचे बहुत जरूरी बात है कनेक्टिविटी पहुंचना मतलब क्या लोगों तक कनेक्शन पहुंचे अगर फोन नहीं है तो फोन पहुंचे फोन में डेटा पहुंचे घर में है तो वाईफाई पहुंचे या वायरलेस आपके पहुंचे या फिर आपका ऑप्टिकल फाइव पहुंचे लोगों तक कनेक्शन पहुंचे दूसरा था कनेक्शन पहुंच गया मतलब लोगों के हाथ में कनेक्शन आ गया इंटरनेट का कनेक्शन आ गया अब जो कनेक्शन आया है उस पर सरकार आ जाए यानी ई गवर्नेंस आ जाए सरकारी ऐप आ जाए बहुत सारी ऐप चालू हो जाए तो ई गवर्नेंस आ जाए इसके बाद ई सिस्टम आ जाए ई प्रणाली आ जाए आपके पास यहाँ पर कुल मिला सरकार आपको ऑनलाइन हो जाए सरकार ऑनलाइन हो गई मेरे पास इंटरनेट है सरकार ऑनलाइन आ गई नहीं ऐप आ गई मेरे पास तीसरा काम जो था कि मुझे ऐप भी आ गई और नेट कनेक्शन भी आ गया लेकिन मुझे यूज करना नहीं आता तो तीसरा था इसके अंदर ट्रेनिंग या आ, मैं उसका यूज करना सीख सकूं उसको चलाना सीख सकूं तो उसके बारे में ट्रेनिंग प्राप्त करना तो इसके तीन पार्ट थे डिजिटल साक्षरता मिलना को मिलाकर तो उसके तीन पार्ट थे कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी बढ़ाना दोस्तों सॉफ्टवेयर या सेवाएं सरकार की सेवाएं सरकार जो सेवाएं देना चाहती है और तीसरा नागरिकों का डिजिटल इंपावरमेंट लोग डिजिटली अवेयर हो पाए डिजिटली एजुकेट हो पाए ये तीन पार्ट थे इंडिया के दोस्तों ठीक है उसमें जो पहला पार्ट था कनेक्टिविटी लोगों तक इंटरनेट पहुंचना चाहिए अब इंटरनेट पहुंचता कैसे आप लोगों तक आप शहर में हैं तो मोबाइल आपके हाथ में है दोस्तों मोबाइल को आप टॉवर से कनेक्ट करते हैं और सिग्नल आ जाता है आपके पास या फिर घर में बैठे हैं तो आपके ऑप्टिकल फाइबर आ गया घर में आपके उससे कनेक्शन आ गया या वाईफाई आ गया घर में आपके वॉट कोई गांव में है तो गाँव कनेक्शन कैसे पहुंचेगा मुश्किल होता है दोस्तों उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर है फिर टॉवर लगता है बड़ा महंगा प्रणाली है तो कई बार होता क्या है हमारे यहाँ पर दोस्तों हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो कोई दो आए नहीं है फोर कनेक्शन आ गया मोबाइल टेलीफोन बढ़ गए कनेक्शन के रेट बहुत कम हो गए बहुत अच्छा बन गया हमारे यहाँ सरकार ने बहुत प्रयास भी किया आज देश में पर व्यक्ति नाइनटीन जीबी पर मंथ डेटा कंज्यूम कर रहा है समझ सकते बीस जी डेटा पर मंथ कंज्यूम कर रहे हैं आप एवरेज एवरेज है दोस्तों यानी कुछ तो दो सौ जी बी कर रहे होंगे पर डे कुछ एक जी बी कर रहे होंगे पर मंथ कुछ दो सौ जी बी कर रहे होंगे पर मंथ मेरा ही होगा शायद हजार जी बी तो मैं यूज़ करता हूँ कम से कम पर मंथ तो आप कितना यूज कर रहे हैं बीस जी बी पर मंथ डेटा यूज कर रहा है इंसान हमारे यहाँ पर हजार जी बीज हो जाता होगा ना इतना तो हो जाता है चार लेख चलिए चार पाँच जी बी पर डे का फिर पढ़ना होता है तो उतना तो हो जाता होगा यूज आराम से वॉट वॉट एवर

क्या कहना कोविड ने सब कुछ ठप कर दिया था ये काम फिर शुरू कर दिया गया व्यक्ति को लाइसेंस नहीं चाहिए ऑप्टिकल फाइबर आया उसके घर में उसने एक डिवाइस लगाया और वाईफाई चालू हो गया और जो उसके कमरे के आसपास घर के आसपास आ रहा है सबको पांच दस रुपए लेकर वाईफाई दे रहा है वो तो इसके लिए कोई लाइसेंस या परमिट की आवश्यकता नहीं थी कोई व्यक्ति अपने घर में खोल सकता था इसको इससे नेट जल्दी पहुंचता जी हाँ तो यहाँ पर होता क्या इनका मानना है कि गरीब परिवारों के लिए अभी भी नेट पहुंच से बाहर है नेट इतना महंगा है कि गरीब परिवारों की पहुंच से बाहर है उनको नेट यूज करना होता है हमने देखा है किस प्रकार बात सही आज भी हम बात करें इस फ्री के जमाने में शायद आपके लिए इतना तो मुश्किल ना होता हो लेकिन आप जाइए अगर मैं कहूँ बच्चे पढ़ने वाले बच्चे स्टेशन के बाहर बैठे होते हैं स्टेशन के अंदर बैठे होते हैं कि वो फ्री डेटा मिलता है जो उनको वहां पर सरकार का फ्री वाईफाई चलता है उससे वो पढ़ सकें हमने एग्जाम्पल देखे कोरोना काल में कोरोना के बाद भी यहाँ पर तो हमने देखा है बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर लोगों को काम करने के लिए डेटा की आवश्यकता है और डेटा बहुत महंगा है तो अभी भी डेटा सब तक नहीं पहुँच पाया है दोस्तों तो ऐसे में इनका मानना है कि पी जो है ये डेढ़ लाख से ज्यादा वाई हॉटस्पॉट स्थापित करेंगे और कहीं ना कहीं बहुत छोटे से अमाउंट में लोगों को सीमित इंटरनेट दे सकते हैं यानी कहीं ना कहीं समझ पाएंगे हम लोग यहां पर ठीक है तो पीएम वाणी के खिलाफ तर्क लोग देते हैं कि डेटा बहुत सस्ता है कंपनी कहती है इतना सस्ता दे रहे हैं जनाब और क्या चाहिए तो सरकार कहती है नहीं जनाब इतना सस्ता भी नहीं है अभी भी गरीबों की पहुंच से दूर है इंटरनेट ये जो डिजिटल डिवाइड है बहुत ज्यादा है यहां पर अभी भी यहां पर अमीर लोग ज्यादा डेटा यूज कर रहे हैं गरीब व्यक्ति डेटा यूज नहीं कर पा रहा है इसको बढ़ाना होगा दोस्तों ठीक है चलिए तो यहां पर अच्छी बात है इसके बाद खास बात क्या है दोस्तों पीएम वाणी कार्यक्रम की इसमें पी जो होंगे या ऐप प्रदाता होंगे यहां पर कुल मिलाकर एक बड़े स्केल पे काम करेंगे और लोगों तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाएंगे दोस्तों ठीक है चलिए ये तो सारी बातें हो गई आपके लिए आ, मैं बात करूँ पीएम वाणी के फायदे जोड़ दिए मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए ज्ञान एक्स्ट्रा ज्ञान जोड़ दिया है पीएम वाणी के फायदे क्या है दोस्तों नए ग्राहक मिलेंगे जो इंटरनेट यूज नहीं कर रहे थे देश में नया वर्ग जुड़ेगा इंटरनेट से तो इंटरनेट से बाहर था वो जुड़ जाएगा इंटरनेट से दोस्तों डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा इससे कहीं ना कहीं रेड टैप क्योंकि लाइसेंस नहीं चाहिए ना तो रेड टैप नहीं होगा इसके अंदर लाल फिता शाई नहीं होगी आपको कोई काम करने से रोकेगा नहीं लाइसेंस लेना नहीं वाईफाई आया चालू कर दी सेवा मैंने जी हाँ इससे इकोनॉमी को फायदा होगा ऐसा माना गया है कि अगर दस ज्यादा लोगों को इंटरनेट पहुंचता है तो जी में लगभग डेढ़ का इजाफा होता है जी हाँ अगर देश की आबादी में दस ज्यादा लोग इंटरनेट पहुंच जाए तो देश का जी डी बढ़ जाता है डिजिटल डिवाइड कम हो जाएगा दोस्तों बताया मैंने पर और लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव सस्ता इंटरनेट मिल रहा है 5G आने और महंगा होगा तो तो आएगा जब तो ऐसे में सस्ता इंटरनेट मिल पाएगा लोगों को इन से इन पी से से वाणी कार्यक्रम दोस्तों ठीक है कुछ चैलेंजेस हैं दोस्तों स्पीड कम रह सकती है यहाँ पर पीएम वाणी पर क्योंकि एक वाई फाई को पचास लोग सौ लोग शेयर कर रहे हैं खड़े होकर या बीस लोग शेयर कर रहे हैं स्पीड कम हो सकती है मोबाइल डेटा बहुत सस्ता हो गया अपने आप में तो लोग कंपेयर कर सकते हैं भैया मोबाइल डेटा में नाइन्टी फाइव परसेंट दाम कम हो गए पिछले पांच सालों के अंदर मोबाइल डेटा बहुत सस्ता हो गया है तो ऐसे में कहा जाए सस्ता हो चैलेंज मिलेगा पीडीओ को आप खोल के बैठे पीसीओ अपना फोन करना ही नहीं कोई यार आपके पास खोल के बैठे पीडीओ को लेने ही नहीं आ रहा वाई फाई आपसे या फिर सुरक्षा खतरे भी है दोस्तों लाइसेंस नहीं लेना है कोई व्यक्ति खोल सकता है कोई भी आके वाईफाई ले सकता है कोई व्यक्ति देश में इंटरनेट यूज कर सकता है बिना रजिस्टर्ड हुए अगर मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ मोबाइल पर अपने मोबाइल का सिम मैंने लिया है मैं घर में लगवा रहा हूँ वाई तो घर का ऑथेंटिकेशन किया कंपनी ने तो जहां भी हम इंटरनेट यूज करते हैं साइबर कैफे जाते हैं। नाम लिखता है साइबर कैफे वाला कौन आया था यूज करने ऐसे में पीएम वाईफाई फाई से सुरक्षा खतरा बढ़ सकता है ये मानना है कुछ एक्सपर्ट का तो खतरा बढ़ सकता है लो स्पीड है और कहीं ना कहीं मोबाइल डेटा सस्ता हो गया है इसको लेकर दोस्तों एक आलोचना हो सकती है तो पीएम वाणी योजना भारत की तकनीकी दुनिया में क्रांति ला सकती है भारत में क्रांति को पाट सकती है कमेंट करें टिप्पणी करें दोस्तों हो पाया क्वेश्चन ये क्या तीसरा क्वेश्चन तैयार हो पाएगा दोस्तों आपका याद है मुझे दोस्तों जब तो कोविड आया ढंग से याद है मतलब हम एक एनजीओ चला रहे थे उस समय आ, हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे हमारे कॉलेज के तो मेरे दोस्त लोग थे तो अब होता क्या है सब इंजीनियरिंग कॉलेज में सब बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं पंद्रह साल हो गए किसी को दस साल हो गए नौकरी करते हुए सब बड़े पोस्ट बैठे हुए हैं तो हमने कोविड में कुछ तो करो बैठ के यार क्या करो खाली बैठे हम लोग क्या करें तो सब ने बात होती थी जूम कॉल पर सब बैठे रहते थे सब लोग तो हमने इनिशिव लॉन्च किया था उस समय और बच चूँकि पढ़ाता था मैं आप लोगों को तो बच्चों के बहुत सर नेट यूज़ नहीं कर पाते हैं फ़ोन नहीं होता है कई बार समस्याएं आती हैं सर बहुत सारे ऑफलाइन वाले बच्चे थे यहाँ पर जो ऑफलाइन के घर जाना पड़ा उनको डिवाइस नहीं है पढ़ने का पढ़ें कैसे सर बहुत सारे बच्चे छोटे बच्चे जो एट्थ क्लास में टेंथ क्लास में हैं कोई डोमेस्टिक वर्कर मेरे यहाँ पर आता था उसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो हम लोगों ने लगा चलो कुछ स्टार्ट करते हैं तो इनिशिएट मिला फंडिंग मिली हम लोगों को हमारे पास खुद के पास बहुत सारे गैजेट्स थे तब तो रिलइज हुआ पब्लिक जोड़ने के बाद यार डेटा फील होता है महंगा है डिवाइस महंगा है हमारे यहाँ पर आपके मेरे लिए शायद डिवाइस इतना डिवाइस या डेटा महंगा नहीं होगा लेकिन देश का बहुत बड़ा तबका है जिसके लिए ये डिवाइस खरीदना मोबाइल ख़रीदना उसमें डेटा लगवाना इंडिविजुअल डेटा लगवाना बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत महंगा सौदा है और वो नहीं कर पा रहा शिक्षा रुक रही है बच्चों की तब शायद बताया हुआ आप लोगों ने आप लोगों ने मदद की थी काफ़ी लोगों ने मुझे याद है उस समय आप लोग भी जो जिसके पास डिवाइस थे हमारे दोस्त बहुत सारे आए वो डिवाइस होते हैं है, किसी मोबाइल पढ़ाए किसी के पास लैपटॉप पढ़ाए ख़राब सा कुछ पढ़ाए सही करके करा दो दे दो किसी को हमने उस समय तेईस या डिवाइस बांटे थे तेईस हज़ार डिवाइस हमने बांटे थे लोगों को अपने आस पास जो जानते हैं जिनको आवश्यकता थी तेईस या डिवाइस हमने बांटे थे मुझे याद आता है तो बड़ा एक मतलब काम हुआ था और फिर हमने जहां रखे थे वो डिवाइस अपने मुखर्जी नगर में एक जगह पर वहां चोरी हो गई मतलब कुछ दिनों बाद यह भी बड़ा अजीब सा हुआ था लेकिन वो एक अलग बात है सारी बातें अलग है इन बात है है बात केवल ये कि आवश्यकता होती तो ये जो जो सरकार तर्क कंपनियां देती हैं जनाब कि सरकार मत बनाओ पी मत बनाओ वाणी चलाओ है हम लगा देंगे सस्ता इंटरनेट दे देंगे आर एस शर्मा जी यहाँ जो बात कह रहे हैं आर एस शर्मा जी बात कह रहे हैं दोस्तों सुनिएगा यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं हमेशा की तरह पीएम वाणी विचार का विरोध किसने किया कंपनियों ने किया उन्होंने सरकार को वचन दिया कि की कोई नहीं है क्योंकि एक वर्ष के भीतर कुछ, तो तो कुछ किया नहीं तो डेटा महंगा है अभी भी और महंगा हो रहा है तो निश्चित तौर पर दोस्तों आवश्यकता थी उस समय किया गया हमें फील हुआ वहां पर कि काफी बड़ा वर्ग है जो देश का डेटा सस्ता में सस्ता कुछ नहीं है और डेटा उसका तो और महंगा हो गया मुझे कहना चाहिए और मोनोपोली आ गई कंपनियों के एक अधिकार बढ़ गया है और महंगा कर दिया गया यहां पर ठीक है है तो तो मुझे याद है दोस्तों, बहुत आपने से मतलब जो सम, आ, आ, सक्षम थे जिनके फादर जिनके मदर मतलब सक्षम थे वो जुड़े थे हमारे उस के साथ और बहुत बड़े स्केल पर मतलब मुझे इतना विश्वास नहीं था कितना हो जाए मतलब दो चार फोन मेरे पास पड़े हैं एक आध लैपटॉप टूटा वूटा पड़ा है कहीं कुछ हो जाए किसी काम आ जाए तो ऐसे हमने चालू किया था लेकिन इतने पूरे कॉलेज के दोस्त मिल गए फिर बाहर के यूनिवर्सिटी के लोग मिल गए हमको एक मैसेव हो गया मतलब वो इतने हमने बांटे मतलब किसी किसी शहर में जा रहा है माल जा रहा है उठ के या पैक करके भेज दो वहाँ पर बड़ा अच्छा लगा काम करके मतलब ना तो वो एक फीलिंग भी थी और फीलिंग हुआ ये भी कि बहुत महंगी चीज़ें हैं अपने आप में आपके लिए शायद वो गैजेट पड़ा हो सकता है आपके घर में आपके कोई काम का ना हो सकता है वो किसी काम आ सकता है तो हमेशा चैरिटी में थोड़ा सा करना भी चाहिए यहाँ पर चलिए नींद भी आती है सर सोजा भाई किसने मना किया यार अजीब इंसान हो यार नींद आती है सोजा भाई क्या लोरी गा के सुनाऊंगा तेरे को सब सोएगा चलो कोई बात नहीं होता है आ, होता है हमारे कोई नहीं बात है। पढ़ाई के समय ऐसी कोई बातें करता है तो लगता है छोड़ो यार चलो तो एक काम करते हैं फिर आराम कीजिए आप लोग भी मुझे भी आराम करने दीजिए कल मुलाकात होगी अपनी सुबह नौ बजे नहीं कल आपसे मुलाकात होगी अपनी कब शाम में छः बजे एन लेक्चर होगा अपना ठीक है चलिए एन देखते रहिए दोस्तों एन लेक्चर ठीक चल रहे हैं अपने आज चैप्टर नंबर सिक्स हो चुका है एलेवेंथ क्लास का देख रहे हैं तो आप फॉलो करते रहिए एन को ठीक है अभी इलेवंथ ट्वेल्थ क्लास खत्म करना है सेप्टेम्बर तक मुझे आपका नहीं हो हाँ। ठीक है तो एलेवेंथ क्लास का चल रहा है अभी चलो तो मिलते हैं दोस्तों आपके साथ कल शाम छह बजे तब तो तक नहीं दीजिए आज्ञा लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा बताते रहे लेक्चर कैसे लगता है आप लोगों को कमेंट मत रोका करें अपने कमेंट जरूर करा करें तो मिलते हैं दोस्तों आपके साथ कल शाम छह बजे दीजिए आज्ञा थैंक यू शुक्रिया रात्रि